हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि नेक्स्ट हमारा अमेरिका होगा मैप्स में, तो मैं आ गई अमेरिका के मैप्स के साथ में। देखिए, अमेरिका का टोटल मैप जो है ना, वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हम लोग करेंगे। ठीक है, कौन कौन से पार्ट में डिवाइड करेंगे? एक तो नॉर्थ पोर्शन, फिर सेंट्रल पोर्शन, और उसके बाद में साउथ पोर्शन। उसके अलावा यहाँ पे कैरेबियन कंट्रीज है। देखो, ये कैरेबियन लिखा ना, यहाँ पे कैरेबियन कंट्रीज है, छोटी छोटी से यहाँ पे आइलैंड्स बने हुए हैं, तो हम लोग एक बार इसको भी देखेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए इसको एक बार शुरू करते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग शुरुआत करेंगे नॉर्थ अमेरिका से। ठीक, तो अब देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका दिया है, इसमें ये यूनाइटेड स्टेट दिया है जो बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट से मिलके बना है। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है, इसका कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन। ये ना वॉशिंगटन, वॉशिंगटन डीसी भी बोलते हैं। कैनेडा का क्या है? ओटावा। ये है ओटावा। ठीक है, यहाँ पे ग्रेट लेक्स बनी हुई है। ठीक है ना, और ये ग्रेट लेक्स को लर्न करने का जो मेथड है ना, वो है होम्स। अब आप जरा देखो कि ये फाइव लेक्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, इनको लर्न करने का जो निमोनिक्स है वो है होम्स। तो ये होम्स में कौन कौन क्या क्या नाम है लेक्स के, इनको सर्च करके मुझे बताओ। ठीक है ना, मैंने आपको निमोनिक्स बताया, एक एच से है, एक ओ से है, फिर एम से है, फिर ई से है, फिर एस से है। चेक करो और बताओ कि इनके क्या क्या नाम है। ठीक है, ये हडसन बे है, लेब्राडोर सी, अटलांटिक ओशियन। ठीक, यहाँ पे कैरेबियन कैपिटल सिटीज है, फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये मैंने बताया है आपको, सल्फर बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको में, कैरेबियन सी, देन पैसिफिक, बेरिंग सी, गल्फ ऑफ अलास्का और अटलांटिक सी। ये रहा रशिया का पोर्शन, इधर से रशिया है, यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है, यहाँ से डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई और डेट होगी और यहाँ पे कोई और डेट होगी। ठीक, अच्छा कितना आपको समझ में आया होगा। ये मैक्सिको है, मैक्सिको का कैपिटल मैक्सिको सिटी, यूएस का कैपिटल वॉशिंगटन, कैनेडा का कैपिटल ओटावा। ठीक है, और ये ग्रीनलैंड, ठीक, डेनमार्क, और इसका कैपिटल गॉटथैब। ठीक, समझ में आया है सारी चीजें आपको। अच्छा, ये पोर्शन जो है ना, ये भी यूएस का पार्ट है। ठीक है, ये पोर्शन यूएस का पार्ट है, कनाडा का पार्ट नहीं है, इसको याद रखिएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट मैप देखते हैं। तो नेक्स्ट मैप में ये मैंने सेंट्रल वाला पोर्शन लिया हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका में देखा, अभी सेंट्रल अमेरिका में देखो, ये पोर्शन दिया हुआ है, और साथ में यहाँ पे कैरेबियन सी, और ये भी दिया हुआ है, कैरेबियन कंट्रीज के बारे में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो सेंट्रल में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं ये देख लीजिए। ठीक है, ये होंडुरस है, फिर कोस्टा रिका है, फिर पनामा है, और निका रेगा हुआ रेगा हुआ रेगा निका रेगुआ है। ओके, ये एल सेल्वेडोर है। ठीक है ना, तो इनको आप देखिएगा, हम लोग नेक्स्ट मैप में इसको एक बार देखते हैं, और उसके बाद हम लोग कैरेबियन सीज को भी देखेंगे, कैरेबियन कंट्रीज जो है उनको भी चेक करेंगे। ठीक है, देखो मैंने ये बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए कौन कौन से हैं, एक तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कंट्रीज आते हैं इसमें। ठीक है, इसमें अब क्या है, ग्वेटमाला है, ग्वेटमाला की ग्वेटमाला सिटी है। ठीक, और एल सेल्वाडोर है, इसमें सैन सेल्वाडोर इसकी कैपिटल है। होंडुरस की कैपिटल क्या है? टेक्चुगाल्पा है, और ये क्या है, बेलीज है, बेलीज की बेल्मोपेन है। राइट, बेलीज दिया हुआ है कंट्री का नाम, और कैपिटल का नाम है बेल्मोपेन। ठीक है, निकारा गुआ है, निकारा गुआ की मैनागुआ कैपिटल है, निकारा गुआ की कैपिटल क्या है? मैनागुआ। कोस्टा रिका, कोस्टा रिका तो नाम सुना होगा आपने, सेंट जोश, सेंट जोश इसका कैपिटल है। फिर पनामा, पनामा का कैपिटल पनामा सिटी। पनामा केस भी आपने बहुत सारे सुने होंगे, बहुत सारे लोगों का पैसा यहाँ पे जमा होता है पनामा सिटी में आके। ठीक है, तो ये है पनामा सिटी। अब इसके बाद में सेंट्रल के बाद में जो हम लोग जाएंगे, वो जाएंगे कहाँ पे, साउथ में, साउथ अमेरिका। ठीक है, अब साउथ अमेरिका में देखो, कोलंबिया, वेनेजुएला, इसके बाद में गुयाना, सूरीनेम, फ्रेंच गुयाना, फिर ये ब्राजील, एंड ब्राजील के बाद में पैरागुए, बोलीविया, अर्जेंटीनिया, चिली, रुग्वे और फॉकलैंड। ठीक है ना, समझ में आया? ये है साउथ जॉर्जिया आइलैंड। राइट, समझ में आया? पेरू, कोलंबिया, इक्वेडोर, इक्वेडोर एक छोटू सा देखो ये दिया हुआ है इक्वेडोर। ठीक है, अच्छा इसमें जो वेनेजुएला ना, इन्होंने भी अभी डिमोनेटाइजेशन किया था। ठीक है, बट इनका डिमोनेटाइजेशन बुरी तरह से फेल हुआ था। ओके, अच्छा अब देखिए,
इसके बाद ये हो गया। अब ये कैरेबियन सीज और ये कैरेबियन कंट्रीज दी हुई है, ठीक है, छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं और वो किसके किसके अंदर में आते हैं। तो देखो ये क्यूबा दिया हुआ है, जमैका दिया हुआ है, ठीक है, फिर ये डोमिनियन रिपब्लिक दिया हुआ है, हेटी दिया हुआ है, देन वर्जिन आइलैंड दिए हुए हैं। वर्जिन आइलैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा वर्जिन आइलैंड है, ठीक है। ये देखो वर्जिन आइलैंड के दो पार्ट है, एक जो है वो यूके की टेरिटरी है और एक जो है वो यूएस की टेरिटरी है, इन दोनों के बीच में इसी का लेके झगड़ा बना रहता है, ठीक। तो ये जो बना हुआ है ना इसको हम बोलते हैं ग्रेटर एंटिलीज और ये क्या है लेसर एंटिलीज, ठीक है ना। ये जो है क्यूबा जमैका किसमें आते हैं, ग्रेटर एंटिलीज में आते हैं, और बाकी के जो छोटे 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 से आइलैंड है ये किसमें आते हैं, लेसर एंटिलीज में आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने बहुत सारे छोटे छोटे से हैं, ये एंगुलिया, साबा, ठीक, टर्क्स एंड कैसिशोज, ये यूके के अंदर आता है, ठीक है। ये बहामस देखो यहाँ पे बहामस भी दिया हुआ है, फ्लोरिडा मैंने पढ़ा था ना, फ्लोरिडा यूएस के अंदर जो आता है, मियामी, ठीक है, बरमूडा ट्रायंगल इसके ऊपर साइड में आता है, कैरेबियन सी में बरमूडा ट्रायंगल आता है, बरमूडा ट्रायंगल का भी आपने मिस्ट्री सुना होगा, ठीक। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, इसको हम नीदरलैंड एंटिलीज बोलते हैं, ये जो छोटे छोटे से जो ये बने हुए ना आइलैंड को हम नीदरलैंड एंटिलीज बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, इनमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, ओके। अब देखो ये जो हमारे कंट्रीज जो दिए हुए थे नीचे छोटे छोटे से, इनमें इनका मैंने कैपिटल भी ऐड करके रखा हुआ है, ठीक है, ये स्लाइड्स आगे पीछे हो गई हैं, ठीक। चिली, चिली की सेंटियागो, देखो ये चिली कंट्री दिया है सेंटियागो, ये पतला सा लंबा सा जो है ना ये चिली है पिंक कलर का, ये सेंटियागो, ठीक है। अर्जेंटीना ब्यूनिस आयरिस है इसकी, फिर रुग्वे मोंटीवीडियो है, देन पैरागुए की है ओशियन, फिर बोलविया की लापेज, ब्राजील। देखो इसमें केवल दो कंट्री है लैंडलॉक, एक तो ये बोलविया और पैरागुए जो जहां पे कहीं से भी सी को टच नहीं करती, मतलब ये लैंडलॉक है, ठीक है। ब्राजील, ब्राजील क्या है, ब्रेसिया, उसके बाद में वेनेजुएला की कैरेकस, कोलंबिया की बोगोटा, इक्वेडोर की क्विटो, ठीक है, उसके बाद में पेरू की लीमा, फ्रेंच गुयाना की केनी, देन और क्या बचा, सूरीनेम, सूरीमेन की पैरामर्बियो, और ये है गुयाना, गुयाना की जॉर्ज टाउन, ठीक है, गुयाना की कैपिटल क्या है, जॉर्ज टाउन। तो आई थिंक ये सारा कंप्लीट हो गया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सब कुछ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट अफ्रीका पढ़ेंगे, नेक्स्ट मैप जो भी पढ़ेंगे उसमें अफ्रीका का हम लोग पूरा पोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना। टिल देन बाय बाय।